हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह जड़ूनी की केंद्र सरकार को खुली चेतावनी, सामने आई है सरकार जितने बैरिकेड्स लगा ले हम दिल्ली जरूर जाएंगे। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह जड़ूनी का ये बयान है, उन्होंने केंद्र सरकार को खुली चेतावनी दी है और कहा है कि सरकारें चाहे कुछ भी करके रोकने की कोशिश कर ले, बैरिकेड्स लगा ले, लेकिन किसान दिल्ली जरूर जाएंगे। तो यहाँ पर किसान जो है वो भी लगातार लामबंद हैं और दिल्ली जाने को लेकर अड़े हुए हैं, वहीं प्रशासन किसानों को रोकने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद है। आपको बता दें अंबाला में तो प्रशासन और किसानों के बीच में एक तरीके की कहा जाए विवादित स्थिति भी पैदा हुई, जब किसानों को रोकने के लिए पानी की बौछारें छोड़नी पड़ी और प्रशासनिक अमला जो तैनात था, किसानों और प्रशासनिक अमले के बीच कहीं ना कहीं आमने सामने की स्थिति में विवाद भी हुआ। लेकिन कल और आज की तस्वीरें जो हैं वो बिल्कुल सामान्य रूप से कहा जाए तो एक जैसी थी। कल भी किसान बैरिकेड तोड़कर अंबाला से आगे की तरफ गए, दिल्ली जाने के लिए हरियाणा की तरफ आए, और आज भी जब अंबाला बॉर्डर पर पुलिस ने आ रहे किसानों को रोका वहां पर, तो किसानों और पुलिस के बीच में काफी गर्मा गर्मी भरी तस्वीरें देखने को मिली। वहीं दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गुरनाम सिंह चरूनी, जिन्होंने इस पूरे आंदोलन को लेकर अब तक अहम भूमिका निभाई है, और गुरनाम सिंह चरूनी खुद सामने आकर किसानों से लगातार आह्वान कर रहे थे आज के इस आंदोलन को लेकर। गुरनाम सिंह चरूनी ने केंद्र सरकार को खुली चेतावनी दी है कि किसानों को रोकने के लिए सरकार चाहे जो कुछ भी कर ले, लेकिन किसान दिल्ली जरूर पहुंचेंगे। तो ना सिर्फ हरियाणा के किसान बल्कि पंजाब से भी भारी संख्या में किसान दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ना सिर्फ पंजाब हरियाणा बल्कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान से भी किसान जो है दिल्ली पहुंचना चाह रहे हैं। हमारे साथ अनूप कुंडू जुड़ चुके हैं हिसार से। अनूप, अभी फिलहाल क्या ताजा तस्वीर? जिस प्रकार से किसान आंदोलन को लेकर के किसान दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं, तो प्रशासन ने भी अच्छी तैयारियां की है उनको रोकने की, लेकिन किसान रुक नहीं पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय किसान यूनियन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गुरनाम सिंह चुडनी, वो हर एक दो घंटे के बाद सोशल मीडिया पर अपना वक्तव्य भेजते हैं, जो किसानों को एक ऊर्जा देता है और किसान आगे बढ़ते हैं। वो बार बार किसानों से अपील कर रहे हैं कि वो शांतिपूर्ण रूप तरीके से आगे बढ़े हैं। बैरिकेड्स अगर पुलिस लगाती है तो पुलिस से कोई झड़प नहीं करनी है, लेकिन बैरिकेड तोड़ते हुए उन्होंने दिल्ली कूच करना है। तो हर एक घंटे के बाद, दो घंटे के बाद वो वीडियो जारी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, जिससे किसान में जोश भरा जा रहा है और किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो अभी फिलहाल अनूप, जो जो वीडियो गुरनाम सिंह चरूनी ने अपलोड करे हैं, जरा उनके बारे में डिटेल में बताएं, क्या कहते नजर आए और क्या अपील किसानों से कर रहे हैं? देखिए, गुरनाम चरूनी बार बार लोगों से यही अपील कर रहे हैं, किसानों से यही अपील कर रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिल्ली कूच करें। इसके साथ साथ वो साफ तरीके से कह रहे हैं कि किसानों को जहां पर भी रोकने की कोशिश की जाए तो किसान बैरिकेड तोड़ के आगे निकल जाए। और ऐसा देखने में भी मिल रहा है कि जैसे ही उनकी कोई नई अपील आती है तो किसानों में और जोश हो जाता है और किसान बैरिकेड तोड़ के आगे निकल जाते हैं। इसके साथ गुरनाम सिंह चरूनी बहुत सारी ऐसी बातें कह रहे हैं जिससे किसानों में आगे बढ़ने का हौसला बढ़ रहा है, और वो प्रशासन से एक अपील जरूर कर रहे हैं कि प्रशासन किसानों को ना रोके, लेकिन केंद्र और भाजपा सरकार जो हरियाणा की है उस पर वो निशाना साध रहे हैं बार बार, की जो किसानों को रोकने का प्रयास ये कर रही है। किसान किसी सूरत में नहीं रुकेंगे और हर हाल में दिल्ली कूच करेंगे। जी जी बिल्कुल। जाहिर तौर पर जिस तरीके से गुरनाम सिंह चरूनी जो है सोशल मीडिया के माध्यम से किसानों के बीच में लगातार मौजूद हैं और बार बार आके कहीं ना कहीं एक तरीके से कहा जाए कि लीड कर रहे हैं हरियाणा के अंदर इस पूरे आंदोलन को। जी बिल्कुल, ये आंदोलन की एक रूपरेखा बनाई गई थी। हरियाणा को अलग अलग जोनों में बांटा गया था, जैसे अंबाला जोन था, कुरुक्षेत्र जोन था, इधर से अलग अलग जोनों का एक नेतृत्व ये कर रहे हैं, क्योंकि एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते अलग पूरे हरियाणा से, हरियाणा के साथ इधर राजस्थान से और पंजाब से भी जो किसान आ रहे हैं,
सोशल मीडिया के माध्यम से वो हर बात अपनी उन तक पहुंचा रहे हैं जो किसान अभी तक उनके साथ नहीं पहुंच पाए हैं। और उनका कहना है कि उनका जो काफिला है उसमें शामिल हो जाए, उसके साथ वो लगातार आगे बढ़ते रहे हैं और दिल्ली पहुंचेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि दिल्ली का जो संघर्ष है, दिल्ली का जो कूच है, वो कितना लंबा भी चल सकता है। जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मान लेती तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। और वो हर हाल में जो 3 अध्यादेशों को कानून बनाया गया है उनको, उनमें जो एमएसपी की मांग है, उनकी मंडियों को सुचारू रूप से चलाने की मांग है, वो तमाम मांगे जब तक सरकार नहीं मान लेगी तब तक उनका ये आंदोलन चलता रहेगा। जी जी बिल्कुल अनूप भाई, अगर हिसार की मैं बात करूं तो देखिए जब सुबह आपसे बात हुई थी तो आपने बताया था कि हिसार में अभी किसी तरह की विवादित स्थिति जो है वो नजर नहीं आ रही है, अभी फिलहाल ताजा तस्वीरें क्या है वहां पर? मैं हिसार की अगर बात करूं तो हिसार में किसानों के समर्थन में बहुत सारे संगठन कर्मचारी संगठन आ चुके हैं। अभी जिस प्रकार से हरियाणा न्यूज ने दिखाया भी है, लाइव भी था, कि जो नगर निगम के कर्मचारी हैं सैकड़ों की संख्या में, उन्होंने आज अपना कामकाज बंद करके इस किसानों का समर्थन किया है। और उन्होंने नगर निगम से क्रांति मान पार्क तक जो है शांतिपूर्ण जुलूस निकालने का भी कार्यक्रम बनाया है। इसके साथ साथ रोडवेज के कई कर्मचारी हैं, बहुत सारे जो कर्मचारी संगठन है वो किसानों के समर्थन में उतर चुके हैं। हालांकि वो दिल्ली कूच नहीं कर रहे लेकिन वो अपना रोष प्रदर्शन जरूर प्रकट कर रहे हैं कि किसानों की वो साथ हैं। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अनूप। तो अब फिलहाल भारतीय किसान यूनियन के जो प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी वो लगातार जरूर वीडियो अपलोड कर करके इस पूरे आंदोलन को लीड कर रहे हैं एक तरीके से, और निर्देश दे रहे हैं कि किसान कैसे आगे बढ़े, बैरिकेड्स लगे तो उन्हें तोड़ दें लेकिन स्थिति शांतिपूर्ण बनी रहे, स्थिति जो है वो हाथ से ना निकले, इस तरह के निर्देश लगातार गुरनाम सिंह चढ़ूनी जरूर दे रहे हैं लेकिन आंदोलन लगातार जारी रखने की अपील कर रहे हैं। अब हमारी बेनती है कि हमने अपने मोर्चे की तरफ बढ़ना है, आगे हमारी गाड़ियां रहेंगी, बाकी सब जो काफिला है उसके पीछे रहेगा, और अब प्रधान जी पीछे रहे सारे काफिला, और अब पैदल चलने की जरूरत नहीं है, अब अपनी अपनी गाड़ियों में बैठिए, अब अपनी अपनी गाड़ियों में बैठिए, आगे जहां मोर्चा आएगा अगली रणनीति उस मोर्चे के हिसाब से बनाई जाए। मीडिया तो लगातार गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी यही कह रहे हैं कि सरकार चाहे जितने मर्जी बैरिकेड्स लगा ले लेकिन उसके बावजूद भी किसान दिल्ली जरूर जाएंगे। देखिए यहाँ पर किस तरह की स्थिति पैदा हो रही है, किसान जो हैं वो किसी भी तरीके से जो है झुकने को तैयार नहीं है, किसी भी तरीके से वो इस चीज को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि प्रशासन उन्हें रोक रहा है दिल्ली जाने के लिए। वहीं प्रशासनिक अमला लगातार किसानों को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है, पानी की बौछारें किसानों के ऊपर डाली गई, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि गृह मंत्री ने भी ये कह दिया है कि देखिए किसानों का हक है, अधिकार है विरोध व्यक्त करना, आम लोगों को अगर परेशानी होगी तो सरकार और प्रशासन अपना काम करेगा। अब हाईवेज के ऊपर हालात बेहद नाजुक हैं, आज स्पेशली हरियाणा पंजाब बॉर्डर और हरियाणा दिल्ली बॉर्डर्स की बात करें तो गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर की लगातार तस्वीरें हम आपको सुबह से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर ट्रैफिक की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमरा गई है, क्योंकि पुलिस लगातार नाके लगाकर और वहां पर वाहनों की चेकिंग कर रही है सुबह से, तो ऐसे में ट्रैफिक जो है वो काफी लंबा जाम वहां पर लगा दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर। और एक तरफ जो है यहाँ पर हरियाणा पुलिस, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस नजर आ रही थी, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के आसपास फरीदाबाद जो बॉर्डर है उसे भी पूरी तरीके से यहाँ पर सील किया गया है। सील करने का मतलब ये है कि जो लोग अपने काम से जा रहे हैं उन्हें जाना अलाउड है, वो जा सकते हैं, लेकिन अगर किसानों का जत्था, किसान अगर झुंड में आ रहे हैं दिल्ली की तरफ तो उनको रोका जाएगा, उनके लिए यहाँ सारे इंतजाम किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात एक और ये भी है कि किसान किसी भी तरीके से झुकने को तैयार नहीं है, प्रशासन ने चारों ओर इस तरीके की मुस्तैदी कर रखी है कि किसानों को आने नहीं देंगे और इतना बल तैनात है। किसान कह रहे हैं कि हम जरूर जाएंगे, अब किसान कह रहे हैं कि हम जरूर जाएंगे तो आगे स्थिति पैदा क्या होगी? प्रशासन कह रहा है जाने नहीं देंगे, किसान कह रहे हैं हम दिल्ली जरूर जाएंगे, आखिर क्या होगा, किस तरह की स्थिति पैदा होगी? किसान आंदोलन बड़े स्तर पर आज देखने को मिल रहा है पूरे हरियाणा के अंदर, क्योंकि पंजाब से भी
भारी संख्या में किसान हरियाणा के अंदर एंट्री ले चुके हैं और दिल्ली जाने के लिए ये सब किया जा रहा है, लेकिन दिल्ली बॉर्डर पर इतना बल तैनात है और दिल्ली जाने नहीं दिया जाएगा, प्रशासन यही कह रहा है। कोरोना के मद्देनजर धारा 144 लगी हुई है और ऐसे में इतनी संख्या में किसानों का जाना दिल्ली में कोरोना संक्रमण ज्यादा फैला सकता है और इसीलिए ये एक बड़ा कारण माना जा रहा है कि प्रशासनिक अमला बॉर्डर्स पर तैनात इन किसानों को रोकने के लिए। तो लगातार किसानों की इस मूवमेंट को और भी संगठनों द्वारा समर्थन मिल रहा है। रोडवेज के कर्मचारियों ने भी किसानों के समर्थन में आकर फतेहाबाद में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया है। दरअसल मोदी सरकार द्वारा करीब ढाई से तीन महीने पहले ये तीन कृषि कानून बनाए गए थे, जिसको लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं किसान। आज जो है हम यहाँ बोल रहे हैं कुरुक्षेत्र और का उस बॉर्डर से हम रवाना हो चुके हैं और हम दिल्ली की तरफ जहाँ भी आगे बैरियर होगा वहाँ बैरियर पे जाके हम अपनी अगली रणनीति बनाएंगे कि उसको कैसे तोड़ें, क्या करें, अगली रणनीति वहाँ पे जाके बनाएंगे। और अभी हम दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, लेकिन अगर हम बैरियर ना भी तोड़ पाए तो हम पैदल ही दिल्ली जाएंगे, चाहे एक हफ्ता लग जाए लेकिन दिल्ली पहुँचेंगे। तो आप सुन रहे थे भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी को, जिन्होंने ऐलान कर दिया है कि दिल्ली तो जरूर जाएंगे, चाहे गाड़ियों को ना जाने दिया जाए, पैदल जाएंगे, चाहे एक हफ्ते बाद पहुंचे, लेकिन विरोध व्यक्त करने के लिए दिल्ली जरूर जाएंगे। आपको बता दें तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आज किसानों ने न सिर्फ हरियाणा और पंजाब के किसान बल्कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, इन तमाम प्रदेशों के किसानों को आज दिल्ली में इकट्ठा होना था और इनका ये रणनीति थी कि जंतर मंतर पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे ताकि तीन कृषि कानून सरकार वापस ले। लेकिन अभी फिलहाल दिल्ली में किसी को भी एंट्री नहीं दी जा रही है, दिल्ली के चप्पे चप्पे पर दिल्ली की पुलिस तैनात है इन किसानों को रोकने के लिए और हरियाणा में भी जो है सारे बॉर्डर्स, सारे नाकों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और ना सिर्फ हरियाणा के किसान बल्कि अब पंजाब के किसानों को भी रोका जा रहा है। तो इसी बीच ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है, इतना ज्यादा ट्रैफिक दिल्ली गुरुग्राम और दिल्ली फरीदाबाद हाईवेज पर देखा जा सकता है इस वक्त, क्योंकि रोज इस सड़क से, इस हाईवे से काफी संख्या में लोग आवागमन करते हैं, दिल्ली की तरफ जाते हैं, लेकिन आज जब चेकिंग अभियान चला, सुबह से ही भारी पुलिस बल दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर तैनात था और चेकिंग अभियान लगातार चल रहा है, तो ऐसे में गाड़ियों को रोका जाना, गाड़ियों की स्पीड स्लो है क्योंकि नाकेबंदी की गई है, तो काफी लंबा जाम दिल्ली गुरुग्राम पर लग गया है और पीक आवर्स यानी कि सुबह का वक्त जब लोग दफ्तर जाने के लिए अपने घर से निकलते हैं उस टाइम पर सबसे ज्यादा खराब हालात देखे गए थे। अभी फिलहाल आगे क्या होगा कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोनों ही पक्ष, चाहे किसानों का पक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, लगातार विरोध कर रहे हैं। 8 तस्वीरें आपको प्रदेश भर की दिखा रहे हैं, रोहतक, जाखल, हिसार, फतेहाबाद, अंबाला, नीलोखेड़ी, सोनीपत, बहादुरगढ़, ये 8 तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस फोर्स तैनात है किसानों को रोकने के लिए और कई तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी तादाद में किसान जो है बॉर्डर्स पर आए हुए हैं और उनकी एक ही जिद है कि उन्हें दिल्ली जाने दिया जाए। तो अभी 6 तस्वीरें और देखिए, फरीदाबाद, गुरुग्राम, जींद, रतिया, सोनीपत और करनाल से जहां पर भी बॉर्डर्स पर फोर्स तैनात है इस वक्त किसानों को रोकने के लिए। तो तमाम जिलों से लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। अंबाला में शंभू चौक पर किसानों का जमावड़ा लगा, काफी संख्या में किसान जब पहुंचे तो पानी की बौछारें उन पर की गई, प्रशासन ने पूरी कोशिश की किसानों को रोकने के लिए, लेकिन किसान जो हैं
वो लगातार जिद पर अड़े हुए नजर आए कि दिल्ली जरूर जाएंगे। अब दिल्ली बॉर्डर पर दिल्ली की पुलिस तैनात है, हरियाणा बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस पूरी तरीके से रोक रही है। जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, चाहे पंजाब हो चाहे राजस्थान हो, पंजाब में किसानों को रोका नहीं गया है। पंजाब से किसान जो हैं काफी संख्या में बिल्कुल फ्री होकर हरियाणा बॉर्डर तक तो पहुंच गए, लेकिन हरियाणा बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने पंजाब के किसानों को रोकने की पूरी कोशिश की है। और हमारे सहयोगी राजा पटेल हमारे साथ जुड़ गए बदरपुर दिल्ली बॉर्डर से, सीधा उनका रुख करेंगे। राजा, फिलहाल क्या ताजा तस्वीर देख रहे हैं आप अपने आसपास? जवान है, तमाम जो गाड़ियां जो बाहर से आ रही है और जो यूपी का नंबर है, खासतौर पर उन गाड़ियों को रोककर चेकिंग की जा रही है। खासतौर पर लोगों को रोक रोक कर चेकिंग की जा रही है, क्योंकि बल्लभगढ़ में जिस तरीके से तमाम जो किसान संगठन इकट्ठा हुआ था उनको लेकर कहीं ना कहीं फसवा पुलिस की बात करें और बॉर्डर पर पूरी मुस्तैदी बढ़ा दी है। तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पर एसीपी डीसी यूनिवर्सिटी वो यहाँ पर मौजूद है। खासतौर पर बारीकी से गाड़ी को चेकिंग की जा रही है। किसान नेता जो भी हो उनको पकड़ के समझाया जा रहा है कि आप अपने वापिस फसवा कर लीजिए, अपने घर चले जाइए, वरना आपको मजबूरन गिरफ्तार करना पड़ेगा। तो खासतौर पर मैं आपको लग रही पूरी मुस्तैद फरदाबाद पुलिस और विजय पुलिस नजर आ रही है। कुछ ही दूरी पर मैं आपको दिखा सकता हूँ अपने कैमरा से, कुछ ही दूरी पर टोल है, उससे आगे दिल्ली पुलिस की तमाम फोर्सेज वहाँ पर तैनात है। और खासतौर पर वहाँ पर भी मुस्तैदी पूरी तरीके से की गई है। कोई किसान पैदल ना कहीं ना कहीं दिल्ली में ना आए करे, इसको लेकर तमाम फोर्सेज जरूर लगा दी गई है। और हर एक गाड़ियों की अब फरदाबाद से जो गाड़ियाँ दिल्ली जा रही है उनकी खासतौर पर बारीकी से चेकिंग की जा रही है। उनके कहीं ना कहीं ड्राइविंग लाइसेंस चेक किए जा रहे हैं, उनकी गाड़ी के नंबर चेक किए जा रहे हैं, किस काम के लिए जा रहे हैं, किस रीजन से जा रहे हैं, उन्हीं के बाद कहीं ना कहीं दिल्ली में एंट्री दी जा रही है। जी बिल्कुल राजा भाई, अगर ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें तो ट्रैफिक व्यवस्था की फिलहाल क्या स्थिति नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए बदरपुर टोल की बात करें तो जाम की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि बारीकी से चेकिंग हो रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए ये जाम की स्थिति है, काफी लंबा जाम हम इसको नहीं कहेंगे, पर फिर भी जिस तरीके से गाड़ियों की चेकिंग यहाँ पर हो रही है तो साफ तौर पर जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं जाम की बनी हुई है। और मैं दिखाना चाहूंगा कि देखिए गाड़ियाँ रोक के, ये देखिए यूपी नंबर है और ये देखिए गाड़ियों को रोक कर यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। मैं अपने कैमरा मैन से बोलूंगा, देखिए यूपी की गाड़ियों के साफ तौर पर जो इन्फॉर्मेशन है खराब फिर चुकी, यूपी से किसान हरियाणा में एंटर हुए हैं और वो दिल्ली जा रहे हैं गाड़ियों में। तो साफ तौर पर ये देखिए उनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि यूपी नंबर की गाड़ी है कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस रीजन से जा रहे हैं। साफ तौर पर उनके आई कार्ड को चेक किया जा रहा है, उसके बाद ही कहीं ना कहीं दिल्ली में एंटर किया जा रहा है। आप ये देखिए पूरी जाम की स्थिति देखिए, कितना लंबा जाम यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि गाड़ियों की चेकिंग हो रही है और ऐसे में जाम की स्थिति भी यहाँ पर बदरपुर टोल पर सुबह से ही बनी हुई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजा फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर की स्थिति बताने के लिए। और कितनी संख्या में यहाँ पर जो है पुलिस बल तैनात है, साथ साथ ट्रैफिक व्यवस्था कितनी चरमराई हुई है ये आपने इन तस्वीरों के माध्यम से देखा। तो फिलहाल दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर्स पर स्थिति ट्रैफिक व्यवस्था की जो है वो काफी ज्यादा नाजुक बनी हुई है और ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से यहाँ पर चरमराई हुई नजर आ रही है।